हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ ऐसे दो प्रॉब्लम, जो दोनों प्रॉब्लम आप भी न्यू यूज़र ओल्ड यूज़र दोनों को आ रहे हैं ट्रेंड्स में, तो वो आप लोग का सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए। और गाइस, एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। ऐसे दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं हर आगे आने वाली वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं तो मेल आईडी है इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और वहाँ पर इंस्टाग्राम में आप डीएम करके बता सकते हो। मैं वो प्रॉब्लम का नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही सोल्यूशन के वीडियो के लिए। और बहुत सारे रूट्स वगैरह इस चैनल पे आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो कर लेना सब्सक्राइब। तो बात करते हैं पहले प्रॉब्लम की। दो आप लोग को प्रॉब्लम आती है कि ट्रेंड्स में आप लोग का डेटा फाइल एक्सेस करने को नहीं मिलता, जो एंड्रॉयड 11 का आ रहा है ना, उसमें कंपनी वालों ने ऐसा चीज़ करके रख दिया है कि उसमें आप लोग डेटा फाइल एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। तो उसके लिए एक ऐप आ जाता है, तो पहले प्ले स्टोर से आपको जेड अचीवर डाउनलोड कर लेना है। वो क्यों डाउनलोड करना है वो वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, तो वो भी डाउनलोड करना है। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक APK का, वो APK भी आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कर लेने के बाद APK को ओपन करके एंड्रॉइड में जा करके डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद नीचे में आने वाला है कुछ अलाउ का ऑप्शन, तो अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद वहाँ पर सारा फाइल खुल जाएगा, तो खुल जाने के बाद वहाँ पर काम आपका ख़त्म होता है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों का रूट एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है एंड्रॉइड 11 में, वो लोग प्ले नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही मुझे एक बंदे ने आकर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया, तो उसका सोल्यूशन इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप लोग को भी वो प्रॉब्लम होगा तो वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन सिंपल सा है। तो पहले जेड अचीवर आपने डाउनलोड कर लिया, फिर डिस्क्रिप्शन में APK डाउनलोड कर लिया। तो दोनों डाउनलोड करने के बाद आपको चलिए ले चलता हूँ जेड अचीवर पे। पहले वो रूट डाउनलोड करके पहले आप लोग को जेड अचीवर में कहीं रख लेना है, ठीक है। तो पहले ले चलता हूँ आपको जेड अचीवर पे, वहाँ पर आगे का प्रोसेस आप लोग को समझाऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते स्टार्ट। जब पहले आप लोग को जेड अचीवर ओपन कर लेना है, तो मैंने ओपन किया है, आप लोग रूट वगैरह डाउनलोड करके रखा होगा, तो वो एक ऐसे जगह पे रख देना है कि आप लोग को याद रहे, ठीक है ना। तो मैंने कलर में रखा है, तो जिप में आप लोग ये डाउनलोड करते हो फाइल्स, ठीक है ना। तो कहीं से भी आप लोग डाउनलोड करते हो, ये मैं नहीं बोल रहा मेरे चैनल से करो, आप कहीं से भी डाउनलोड करते हो, जिप में डाउनलोड होता है, तो ये जिप रहा हम। तो जिप को पहले आपको यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये फाइल आता है, फाइल के अंदर का चारों फाइल निकाल देता है। अगर ऐसे ही आप लोग का फाइल आता है तो वो रख दो, वो ठीक है रहने दो। फिर यहाँ से ये सब फाइल, तो आप लोग जिप फाइल को रखना चाहो तो रख सकते हो, डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो। मैं कर देता हूँ यहाँ पर डिलीट। तो डिलीट कर देने के बाद ये सब फाइल्स यहाँ पर कलर में है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये सब फाइल्स कलर में है। तो ये याद रखने के बाद यहाँ पर आपको बैक करना है, बैक करके अपने होम स्क्रीन पे चले जाना है। फिर वो APK आप लोग को ओपन कर देना है, जो APK ने डाउनलोड किया था डिस्क्रिप्शन से। तो वहाँ पर जाकर मैंने स्टोरेज और जहाँ पर जेड चोन में आपने एक्सट्रैक्ट किया था वहाँ पर आपको चले जाना है। तो ये देखिए कलर में आ चुका हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद सारा फाइल्स ये बॉक्स वाले में सेलेक्ट करके अच्छे से इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कॉपी नहीं करना है, आपको सीधा मूव करना है, ठीक है ना। तो ये मूव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आप लोग को एंड्रॉइड में जाने के बाद डेटा में चले जाना है। यहाँ पर आप लोग का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना। अलाउ कर देने के बाद नीचे में अलाउ का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर कर देने के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पर फाइल्स में चले जाना है, यूज़र डेटा में जाना है, ओरिजिनल में जा करके एक आपको न्यू हैश क्रिएट करना है, ठीक है ना। अगर वो हैश में आता है तो वही हैश ला करके डाल सकते हो। ये एक बात याद रखना कि वो हैश आपके ओरिजिनल में पहले से नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक हैश। तो बनाने के बाद यहाँ पर एक हैश क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी मैंने जो हैश बनाया, तो यहाँ पर हैश बनाया 67। तो यहाँ पर तो हैश बनने से रहा, इस APK में हैश नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को बता दिया है, तो इस APK में हैश बनेगा नहीं। तो यहाँ पर इसको करते डिलीट, इसको छोड़ देते हैं। तो जो हैश आप लोग को बना हुआ है उसमें पहले डाल लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आपको वेट करना है, कैंसिल वगैरह या कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है फाइल के साथ, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है, बग्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाने के बाद यहाँ पर बैक करना है। अब आप लोग को सिखा देता हूँ कि यहीं पर आपको फाइल कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर न्यू में क्लिक करना है, फोल्डर में आप लोग को जाना है, फाइल नहीं फोल्डर क्रिएट करना है। हैश माइनस यहाँ पर सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए, 69 में कर देता हूँ,
यहाँ पर फाइल, ये देखिए यहाँ पर नीचे में यहाँ पर ये बन के आ चुका है फोल्डर, ठीक है ना। तो ये बन देने के बाद यहाँ पर उसमें डाल देना है। तो बैक करने के बाद यहाँ पर ss.tdx ये ज़रूरी है, अगर आपने गेम नया डाउनलोड किया है तो ये ज़रूरी है आप लोग को डिलीट करना, और आप लोग ओल्ड यूज़र हो तो भी डिलीट करना है। और फिर अगर आप लोगों ने न्यू गेम डाउनलोड किया तो यहाँ पर ट्रेन रिसोर्स में प्री बिल्ड में आकर के यहाँ पर एक आपको एक ये ss.tdx दिखेगा, तो उसको भी डिलीट कर देना अगर दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो छोड़ देना है। फिर आप लोग को अपने गेम को ओपन करना, चलिए आपको गेम को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो गाइस कि गेम ओपन हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर इस गेम को ओपन हो जाने देते हैं। आप लोगों को जैसा प्रोसेस आप अभी तक आप लोग अगर वीडियो पे बने हुए हैं तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और कमेंट में बताना आपका सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा तो मैं पर्सनली मैं आपको समझा सकता हूँ, इंस्टा पे आकर के आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आपको रूट डाल दिया, तो रूट में आ जाने के बाद यहाँ पर सारा रूट आप लोग का शो करने लगेगा, तो शो करने लगेगा तो आप लोग समझ लेना वर्क कर गया है। और ऐसी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो, कॉमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम ज़रूर लिखना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और गाइस आप लोग को बता दूँ हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज है हमारा चैनल, तो प्लीज़ यार आप लोग अचीव करवा सकते हो, आप ही लोग के आप लोग अगर चाहोगे तो अचीव जल्दी से करवा सकते हो, तो करवा दो यार जनवरी ख़त्म होने से पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।